चौथे चरण के साथ साथ मध्य प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। पहले और दूसरे चरण में 6-6, तीसरे चरण में 9 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब चौथे चरण में बाकी बची 8 सीट पर आज मतदान किया जा रहा है। कुल 74 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। जिन 8 सीटों पर मतदान होना है वे मालवा और निमाड़ क्षेत्र में आती है। पिछले चुनाव में इन सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया था। चौथे चरण में 22 प्रत्याशियों की संपत्ति 1 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। 8 लोकसभा सीटों पर कुल 1,63,00,000 मतदाता अपने सांसद का चुनाव करेंगे। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया है और शाम 6 बजे तक यहां जारी रहेगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि मतदान से एक दिन पहले सभी केंद्रों पर मतदान दल पहुंचकर मतदान की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मतदान से पहले मॉक पोल भी कराया गया जिसमें वोटिंग मशीनों की जाँच की गई। मतदान अपने साथ मतदान पहचान पत्र या फिर अन्य फोटोयुक्त 12 वैकल्पिक दस्तावेज लेकर पहुंच सकते हैं मतदाता, जिससे वो मतदान कर सकते हैं। अत्यधिक गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों में टेंट, पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। चौथे चरण के मालवा निमाड़ अंचल की उज्जैन, मंदसौर, देवास, धार, रतलाम, खरगोन, इंदौर और खंडवा लोकसभा क्षेत्र में मतदान हो रहा है। सबसे ज्यादा 14 प्रत्याशी इंदौर से चुनावी मैदान पर है। वहीं सबसे कम प्रत्याशी खरगोन से सिर्फ 5 उम्मीदवार मैदान में है। फेक न्यूज के जमाने में सतर्क रहिए। सही और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।